और इस वक्त दिल्ली से हर्षा चंदवानी और देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला। पहले हर्षा का रुख कर लेते हैं। हर्षा, माता के पांचवें स्वरूप की किस तरह से आज पूजा अर्चना की जा रही है, किस तरह से आज का श्रृंगार है, दिखाइए हमारे दर्शकों। जी बिल्कुल श्वेता, झंडेवाला मंदिर में इस वक्त मैं हूँ, पांचवा दिन है। तस्वीरें मैं आपको माँ के दरबार की दिखा देती हूँ क्योंकि भक्तों का तांता आप साफ तौर पर देख सकती हैं लगा हुआ है। और जैसे कि आप भी बता रही थी इंट्रो से पहले कि किस तरह से माँ की आज जो पूजा की जाती है, माँ को आज पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, इसीलिए आप देख सकते हैं साथ में जो मंदिर दरबार है माँ का, आज जो पूरा रूप है, पूरा व्रत, पूरा वस्त्र, सारे श्रृंगार है वो बदले गए हैं। आज पीला रंग का माँ को जो वस्त्र है वो पहनाया गया है। साथ ही साथ कहते हैं आज जो माँ की आराधना और साधना पूरे मन से करता है उसे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति तो होती है, साथ साथ संतान की भी प्राप्ति होती है। और इसीलिए यहाँ पे हमें जब हम आए थे भारी संख्या में महिलाएं मिली थी जिन्होंने हमसे यही बात कही थी कि आज के दिन माँ की जो पूजा है वो घर पे भी बहुत ही खास तरीके से की जाती है। जो जिन लोगों ने माँ को आज घर पर स्थापित किया हुआ है वो आज श्वेत रंग के वस्त्र पहन रहे हैं और साथ ही साथ घर पर केले का भोग माँ को लगा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे मंदिर में जो पुजारी भी मौजूद हैं, जो भक्त जिस तरह से माँ को जो टोकरी और जो फलों की टोकरी और जो माँ को भोग लगा रहे हैं उन्हें बदले में केले का प्रसाद दिया जा रहा है क्योंकि वो आज के लिए बेहद शुभ माना जाता है। तो झंडेवाला मंदिर की तस्वीर कुछ इस तरह से है श्वेता कि यहाँ पे भक्त जो हैं सुबह 4 बजे से पहुँचे हुए हैं, इंतज़ार करें क्योंकि आज 7:30 बजे से यहाँ पे दूसरी आरती शुरू हो जाएगी जिसके लगभग 6 बजे यानी कि अब जो धीरे धीरे भीड़ जो है झंडेवाला मंदिर में बढ़ने लगी है। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से है सुरेंद्र डसीला। सुरेंद्र, जानना चाहेंगे कि शाकुंभरी देवी मंदिर और शीतला मंदिर, ये दो मंदिर हैं जो कि देहरादून में इनमें काफी ज्यादा भीड़ होती है, इसके अलावा और कौन से देवी मंदिर है जहां के भक्त पहुंचते हैं और आप इस वक्त किस मंदिर में हैं, दर्शन कराइए। बिल्कुल, देखिए श्वेता, अगर बात करें, आपने शाकुंभरी मंदिर की बात की, शाकुंभरी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में आता है और आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर देहरादून ही नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी के भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं क्योंकि माता यहाँ पर माना जाता है कि साक्षात मौजूद हैं। इसीलिए अपने चुनाव कार्यक्रम की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी मंदिर से की थी। जहाँ तक देहरादून की आपने बात की तो देहरादून में डाटकाली मंदिर है जहाँ माता साक्षात मानी जाती हैं, वहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। और यही नहीं, उत्तराखंड के कोई भी जनपद आप ले लें तो हर जगह एक ना एक सिद्धपीठ जरूर है, चाहे पुण्यागिरी माता की बात करें चंपावत में, चाहे टिहरी में कुंजापुरी की बात करें या सुरकंडा देवी की बात करें, कालीमठ गुप्त काशी में ये माना जाता है कि माता वहाँ साक्षात शिला के रूप में मौजूद हैं। और जहाँ तक आपका सवाल है कि इस वक्त हम कहाँ पर मौजूद हैं, हम इस वक्त देहरादून में सनातन धर्म मंदिर में हैं। मेरे ठीक पीछे की ओर अगर आप देखेंगे तो अभी माता के मंदिर के कपाट नहीं खुले हैं, अभी आप देख सकते हैं जो सामने आपको लोग दिखाई दे रहे हैं ये संकल्प कर रहे हैं और पंडित यहाँ पर मौजूद हैं, जो श्रद्धालु हैं वो मौजूद हैं। संकल्प की विधि पूरी होने के बाद थोड़ी ही देर में पूजा अर्चना शुरू होगी और पूजा अर्चना विधिवत शुरू होने के साथ ही माता की आरती होगी और उसमें भी बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे क्योंकि पहाड़ों में अब ठंड बढ़ने लगी है तो इसलिए जो शुरुआत होती है वो थोड़ा देर से होती है, लेकिन आप जब धीरे धीरे देखेंगे तो माता की आरती में लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं क्योंकि नवरात्र का ये मौका है और मौका है आज स्कंद माता की पूजा का। ये कहा जाता है कि स्कंद माता ने इसी रूप में कार्तिकेय को जन्म दिया था तो इसलिए ये भी कहावत है कि बिना कार्तिकेय के स्कंद माता की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है, इसलिए कार्तिकेय की पूजा इसमें बेहद ज़रूरी होती है। और जहाँ तक हमने पुजारियों से पूछा उनका ये कहना है कि स्कंद माता सुहागन रूप में पूजी जाती हैं तो इसलिए बिंदी, चूड़ी, सिंदूर ये सारी वो सामग्री हैं जिनसे माता प्रसन्न होती हैं, जिस रूप में माता को पूजा जाता है।